इंडियन टू के मेकर्स को 50 करोड़ का झटका, नेटफ्लिक्स ने तोड़ी करोड़ों की डील। हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी तिवारी एंड यू आर वाचिंग बीकेबी साउथ। कमल हसन की इंडियन टू 12 जुलाई को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। अनुमान लगाया गया था कि फिल्म सुपरहिट होगी, कमाई के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ डालेगी, मगर अफसोस ऐसा कुछ भी ना हो सका। शंकर के डायरेक्शन में बनी इस पैन इंडिया फिल्म को लोगों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। कमल हसन भी जनता को थिएटर की तरफ खींचने में असफल रहे। लिहाज मूवी ने इंडिया में सिर्फ 81 करोड़ का कलेक्शन। क्या अब खबर है कि फिल्म की ऐसी हालत देखकर नेटफ्लिक्स ने इंडियन 2 के मेकर्स के साथ हुई डील में बदलाव कर डाला है, जिससे मेकर्स को करोड़ों का घाटा हो गया है। नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया है कि 9 अगस्त को इंडियन 2 नेटफ्लिक्स पर आ जाएगी। इसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन 2 को बड़े पर्दे पर रिलीज होने से पहले नेटफ्लिक्स ने इसके डिजिटल राइट्स के लिए 120 करोड़ रुपए दिए थे। यानी इंडियन 2 को हर भाषा में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाना था, मगर फिल्म के रिस्पॉन्स को देखकर नेटफ्लिक्स ने डील में बदलाव कर दिया है। नेटफ्लिक्स ने इंडियन 2 के मेकर्स से 120 करोड़ के बजाय सिर्फ 50 करोड़ में डील फाइनल करने का प्रस्ताव रखा था, मगर मेकर्स ने फाइनल फिल्म तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ भाषा राइट्स के लिए 70 करोड़ रुपए की मांग की और नेटफ्लिक्स के बीच ये डील पक्की हो गई, जिससे उन्हें करीब करीब 50 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, ना ही ये पता चला है कि इंडियन 2 के हिंदी राइट्स किसने खरीदे हैं। मेकर्स पहले से काफी घाटे में हैं, ऐसे में नेटफ्लिक्स की तरफ से उन्हें ये तगड़ा झटका लगा है। अब देखना होगा कि इंडियन 2 के हिंदी वर्जन को कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म खरीदता है। बहरहाल आपको ये फिल्म कैसी लगी थी, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा।